शांति। आज की तारीख है 12/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है देवों के देव महादेव स्वयं परम पिता ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा हम बच्चों से बोले मीठे बच्चे बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखाया है। तुम फिर श्री मत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। प्रश्न है अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रवाज भक्ति में भी चला आता है। उत्तर है तुम अभी श्री मत पर अपना तन मन धन भारत को क्या लेकिन विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी का कारण रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत बजा है तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए के हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाय रे। अब धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मन मत पर कभी नहीं चलना है। नंबर दो रूप बसंत बन सर्विस करनी है माता पिता को फॉलो कर तप्त नशीन बनना है। वरदान सतगुरु केवल एक शिव पिता का अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं संपूर्ण आत्माओं के द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी और फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेगी। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन है परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।